स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो एक बार हो जाए तो फिर अपने साथ और भी बीमारियों को ले आता है। यह अब एक आम बीमारी बन गई है। ऐसे में जरूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और घरेलू नुस्खे अपना कर डायबिटीज को कंट्रोल करें। इन्हीं उपायों में से कुछ ऐसे उपाय हैं जो लहसुन से जुड़े हैं। जी हाँ, लहसुन मधुमेह यह डायबिटीज कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। तो चलिए देर ना करते हुए एक नजर देखते हैं लहसुन के फायदों पर, जो उसे मधुमेह या डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं फायदे। डायबिटीज में लहसुन का रेगुलर सेवन ब्लड शुगर लेवल को सामान्य तक ला सकता है। दरअसल लहसुन उन हार्मोन्स को बनाता है जो शरीर में शुगर को नियंत्रित करते हैं। तो आज से ही अपने खाने में लहसुन को शामिल करें। लहसुन दिल से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। लहसुन खाने से खून का जमाव नहीं होता और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। लहसुन और शहद के मिश्रण को खाने से दिल तक जाने वाली धमनियों में जमी वसा निकल जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से होता है। लहसुन में बहुत ही कम कैलोरी और कार्बन होता है, जो इसे डायबिटीज के लिए एक आइडियल औषधि बनाता है। ताजा लहसुन में विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए काफी अच्छा है। कार्ब बहुत जल्द पच जाती है और ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करने का काम करती है। लहसुन का नियमित सेवन अमीनो एसिड होमोसाइटिन को नियंत्रित करता है, जो हार्ट अटैक और डायबिटीज के खतरे को कम करता है। अब आपको बताते हैं कि डायबिटीज की बीमारी में आराम पाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल कैसे करें। डायबिटीज के लिए लहसुन का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप लहसुन को किस तरह खा सकते हैं। कच्चा लहसुन खाने के फायदे भी बहुत होते हैं, तो अगर आप इसे कच्चा खा सकते हैं तो रोज एक दो कलियां कच्ची जमाएं। ऐसा नहीं तो आप इसे बारीक कद्दूकस कर सलाद के ऊपर डाल सकते हैं। आप इन्हें पकाकर भी खा सकते हैं। लहसुन खाने में महक तो देगा ही, साथ ही स्वाद और सेहत भी बेहतर रखने में मदद करेगा। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ।